कौन है और आप हमारे चरणों में क्यों गिर गई? हे मुरलीधर, अनजान मत बनो। सिर्फ एक बार कह दो कि तुम ही मेरे कृष्ण हो, क्योंकि तुम्हारे हाथों में ये बांसुरी है। देखो, मैं कृष्णा नहीं हूँ, मैं तो एक ग्वाला हूँ। और रही बात ये बांसुरी की, वो तो कृष्णा को प्यारी है, इसलिए मैं बजा रहा हूँ कि भगवान मुझे भी दर्शन दे। मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहती, लेकिन जैसे मैंने तुम्हारी एक बात मान ली, क्या तुम भी मेरी एक बात मानोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी आपकी बात मानूंगा। तो लीजिए, मेरे हाथों से ये दही खा लीजिए। श्याम, श्याम, ये वीरा की बच्ची चैन से जीने भी नहीं देती, जाने कब ससुराल जाएगी, गदर मचा रखी है। अरे अरे उठो। अरे क्या हुआ, सो जाओ ना। मुझे सोने को कह रहे हो? जाओ जाकर अपने बहन को देखो, पूरी रात सोने भी नहीं देती, पूरी रात गदर मचा रखी है। अरे सो जाओ ना, जो भी बात है सुबह करेंगे, अभी सो भी जाओ। बेचैन आत्मा। बेचैन आत्मा? मैं? तुम्हारी बहन है बेचैन आत्मा। सुनो, अगर उसकी शादी एक महीने में नहीं करवाई ना, तो मैं मायके चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चली जाना। क्या कहा? अरे मेरा मतलब है कि कल से मैं वीरा के लिए पहले, सबसे पहले मैं यही काम करूंगा। अब तो सो जा। अरे रामू काका। जी मालिक। जरा छोटे मालिक को बुलाओ। जी पापा, कहिए। बेटा तू आज पंडित जी के वहां जाना और ऑफिस से एक चेक लेते जाना, पंडित जी के वहाँ दे आओ। पापा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप हर महीने पंडित जी को जो चेक देते हैं, क्यों देते हैं? अरे बेटा अभी तो 10 चेक और देने बाकी है। वो क्यों पापा? अरे वहाँ श्री कृष्ण का विशाल मंदिर बनने वाला है और पंडित जी खुद अपनी जमीन पे मंदिर बनाना चाहते हैं। ये हमारा फर्ज है बेटा कि हम गांव के मुखिया होने के नाते हमें कुछ मदद करनी चाहिए। ठीक है पापा, तो मैं अभी जा रहा हूँ और उन्हें ये चेक दे आ रहा हूँ। जाओ बेटा। नमस्ते पापा जी। भाई साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आप पंडित जी की जमीन पर मंदिर बनवा रहे हैं? एक तो आप मेरी कोई बात सुनते ही नहीं है, ऐसे तो आपको पूरा गाँव लूट लेगा। नहीं सुजीत, तुम गलत सोच रहे हो, पंडित नेक और ईमानदार इंसान है। अगर ऐसा होता तो अपनी जमीन पे मंदिर कभी नहीं बनाता। नेहरू नगर वाली जमीन देखो ऐसी चली गई ना। नेहरू नगर वाली जमीन का हक गरीबों का था और उन्हें ही मिल गई। भाई साहब आपसे बहस करना बेकार है, और यही रवैया रहा एक दिन खाकीन हो जाएंगे हम। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है सुजीत, तुम्हें जितना कहा जाए उतना ही करो। मैं जमीन का कागज मंगाया हूँ, वो ले आना। ठीक है। अरे वीरा बेटा तुम? जी। मुझे पता था एकादशी वाले दिन तो तुम जरूर आओगी। क्या बताऊं पंडित जी, मेरे कृष्ण के बिना मेरा मन जरा भी नहीं लगता। मुझे पता है, तुम तो मुझसे भी बड़ी कृष्ण पुजारन हो। पुजारन नहीं, मैं तो उनकी दीवानी हूँ। पता नहीं मेरे कान्हा मुझे इतना क्यों सताते रहते हैं। क्या हुआ बेटी, आज तुम्हारा चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लग रहा है। सब मेरे कृष्ण जानते हैं कि मैं क्यों परेशान हूँ। क्या हुआ, आज फिर से कोई सपना देखा क्या? आज फिर मेरे कृष्ण ने मेरे हाथों से दही नहीं पिया। बस अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है वीरा,
तुम्हारी भक्ति सच्ची है और मेरे मुरली मनोहर बहुत जल्द तुम्हारी सुनने वाले हैं। तुम चिंता मत करो, जाओ अब तुम भी पूजा कर लो और मैं भी अपने कान्हा के लिए भोजन तैयार कर लेता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कल से मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। कल रात तुमने फिर से मेरे हाथों से दही क्यों नहीं खाया? जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। तुम मुझे इतना क्यों सताते रहते हो? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे शिवा तुम कब आए? जय श्री कृष्ण पंडित जी। कैसे, ठीक है सब लोग? हाँ बैठो। कैसे आना हुआ सुबह सुबह? जी पंडित जी, वो पापा ने आपके लिए चेक भेजा है। अच्छा शिवा, आज तक तुमने कभी पूछा नहीं कि तुम्हारे पापा ये चेक क्यों दे रहे हैं। जी पंडित जी, पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और पंडित जी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, बाद में बात करते। अरे कोई बात नहीं, पूछ लो ना। अभी जो मंदिर पे वो लड़की आई है, हाँ हाँ, वो कौन है? अरे इसे नहीं जानते? नहीं। अरे ये तो बहुत बड़ी कृष्ण पुजारण है, वीरा नाम है इसका, सच्ची भक्ति करती है और आसपास के सारे गाँव में इसकी चर्चे है, हमेशा कृष्ण भगवान के धुन में रहती है। पर पंडित जी मैंने तो इन्हें यहाँ पहली बार देखा है। अरे ममता के साथ में तो कई बार आ चुके, ममता ने बताया नहीं? नहीं, ममता ने इनके बारे में कभी जिक्र नहीं किया। ठीक है पंडित जी, अब मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। अरे बैठो ना। अरे नहीं नहीं पंडित जी। ठीक है, जय श्री कृष्ण। अरे सुबह सुबह तुम्हें क्या हुआ? सर पर हाथ रख कर क्यों बैठी हो? तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बहन रात भर सोने नहीं देती? देखो संगीता, ज्यादा तुम है ना वीरा के पीछे मत पड़ा करो, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। ये क्या कम अनहोनी है जो रात भर जगना पड़ता है? कान खोलकर सुन लो, एक महीने के अंदर अंदर अगर तुमने मीरा की शादी नहीं करवाई तो मैं अपने बेटे सचिन को लेकर मायके चली जाऊंगी। क्या बोली मम्मी, अब नानी के घर जा रही हो? मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। तू चुप कर, पढ़ाई कर अपनी। पढ़ाई तो तब करूंगा जब आप चुप रहोगी। अब तू भी बड़प्पन दिखा रहा है, पढ़ाई कर अपनी। सचिन बेटा, मम्मी से ऐसे जिद नहीं किया करते। दिमाग खराब करके रखा है इस लड़की ने सबका। दिमाग खराब तो आपने किया है जो पूरा दिन बुआ के पीछे पड़ी रहती हो। सचिन बेटा, मम्मी है ऐसे बात नहीं करते। पापा आप मम्मी को समझा दो, मम्मी बुआ को कुछ ना बोले। ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई करो। संगीता, तुमसे ज्यादा दिमाग तो तुम्हारे बेटे का है। वीरा एक सच्ची कृष्ण भक्त है, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। पछताना पड़ेगा? मुझे इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। ना रहेगा बास, ना बजे की बांसुरी। ये क्या बड़बड़ा रही हो? मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है। एक तो तुम्हारे लिए चाय बनाई और ऊपर से ये सब तुम्हारा भाषण सुनो। बड़ी मेहरबानी। हाय ममता। हाय। कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ लगता है, तुम कुछ ज्यादा बेचैन हो। कल रात से मुझे नींद तक नहीं आई, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी इसीलिए तुम्हें यहाँ मैंने बुलाया। अब प्रॉब्लम बताना शुरू भी करो तब मैं सोचती हूँ इसमें क्या किया जा सकता है। ममता तुम अभी के अभी तुम्हारी सहेली के घर चलो। क्यों, तुमने मुझे वहाँ जाने के लिए बुलाया है? हाँ यार, मैं तुम्हारी सहेली से पहली नजर में प्यार कर बैठा और उसी से शादी करना चाहता हूँ। प्लीज आएगी? और ये सिर्फ काम तुम ही कर सकती हो। पहले मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो। ममता गुस्सा क्यों होती हो यार, कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? हाँ तुमने गलत कहा है शिवा, मेरी सहेली श्री कृष्ण की ही भक्त है, उसी को अपना सब कुछ मानती है, तुमसे शादी कभी नहीं करेगी। और तुम अगर उसे शादी की बात करने गए तो मुझसे भी रिश्ता तोड़ देगी और तुम्हारी करेगी वो अलग। ममता तुम्हें क्या हो गया यार, और इतनी जल्द तुम्हारा रंग कैसे बदल गया? देखो ममता, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। देखो मैं नहीं आने वाली, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। ममता तुम कम से कम मेरे साथ तो चलो। देखो एक बार मैंने कह दिया सो कह दिया। और हाँ
वो जिस दिन तुमसे शादी करेगी ना, उस दिन से मैं तुम्हारी गुलामी करूंगी। ये बात है, तब तो मैं उससे शादी करके ही रहूंगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम चलोगी तो ये काम होगा? मेरा नाम भी शिवा है और मैं उससे शादी करके ही रहूंगा। तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्याद्रणम तमेव तमेव विद्याद्रणम तमेव तमेव सर्वमम देव देव। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण। अरे शिवा, सुबह सुबह सब अच्छा तो है? हाँ पंडित जी, सब अच्छा है और आपके आशीर्वाद से तो और अच्छा हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है पंडित जी। आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मांगने और मुझसे? मेरे पास तो क्या है, मेरे हरि और मैं, भला हम आपको क्या दे सकते हैं? वैसे भी आज तक आप लोगों ने हमारी मदद की है। पंडित जी, मैं वो वीरा से शादी करना चाहता हूँ, ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हो। ये क्या बोल रहे हो, शादी और वीरा से? अरे वीरा तो शादी के नाम से चिढ़ती है और उसने कसम खा रखी है वो कभी शादी नहीं करेगी। जी पंडित जी, मुझे पता है कि वो शादी नहीं करना चाहती, मगर आप कहोगे तो आपकी बात को वो नहीं टालेगी। आप मेरे लिए उनसे एक बार बात करके देखो ना। अरे बेटा, कृष्ण की दीवानी है वो और उसे संसार के किसी भी चीज का मोह नहीं है, सच्ची पुजारन है वो। फिर भी मैं उससे बात करने से पहले मैं चौधरी साहब से बात करना चाहता हूँ। ठीक है पंडित जी, आप मेरे पापा से बात कर लो, अगर आप उनसे बात करोगे तो वो भी आपकी बात को नहीं टालेंगे। ठीक है शिवा, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ, बाकी मेरे कृष्ण की मर्जी। जय श्री कृष्ण पंडित। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रही हो, लगता है तुम्हारे दिल में भी थोड़ी थोड़ी भक्ति जागने लगी है। भक्ति जागने क्या लगी है, मैं तो भक्ति हूँ। कुछ लोग बाहर दिखावे की पूजा करते हैं, मैं तो दिल से पूजा करती हूँ। आखिर कहना क्या चाहती हो, लगता है आज सूरज सही जगह से निकला है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब हमें वीरा के लिए लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ तुम भी इस बात को समझ गई कि वीरा शादी करना नहीं चाहती। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अब हमें वीरा के लिए लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे क्या बोल रही हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुनो। अच्छा। कल मेरा भाई आ रहा है, मैंने बड़ी खुशामद करके मनाया है मैंने उसे। अच्छा, साले साहब आ रहे हैं, कुछ पैसे वैसे देने आ रहे हैं क्या? नहीं, अपनी प्यारी वीरा की शादी तुम मेरे भाई मुरली से करवा दो, इस तरह हमें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और हमें लड़का ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखा मेरा दिमाग? वाह क्या तुम्हारा दिमाग है, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारा दिमाग है, वीरा का भी दिमाग पढ़ लिया करो। अरे तो क्या वीरा जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? ये शादी तो मैं करवा के ही रहूंगी, मेरा भाई वीरा के लिए बिल्कुल फिट है। अरे आ गया मेरा सेठ, अभी यही निपटेगा। मम्मी तुम फिर से बुआ की बातें लेके बैठ गई? मेरी बुआ सबसे अच्छी है, मुझे पढ़ाती है लिखाती है, नहीं करेगी किसी से शादी। तुझे कितनी बार कहा है कि बड़ों के बीच में बच्चे बोला नहीं करते, जाओ यहाँ से। मम्मी कैसे नहीं बोलूं, दूध सारा उबल के नीचे गिर गया है। अरे बाप रे। बेटा तू भी अपनी मम्मी के पीछे लगा रहता है। पापा मुझे आपको बचाना था, वरना मम्मी आज ही बुआ की शादी मामा के साथ करवा देती। अच्छा ठीक है, जा अभी अपनी पढ़ाई कर। हाँ ठीक है। अरे वीरा बेटी, अरे क्या लाई हो बेटी? कृष्ण को भोग लगाने के लिए कुछ फल लाई हूँ। मुझे पता है, कृष्ण भगवान के बहाने तुम मेरा खाने पीने का कितना ख्याल रखती हो। इंसान इंसान का ख्याल कहाँ रख पाता है, एक मेरे श्री कृष्ण ही है जो सबकी चिंता करते हैं। सही कहा बेटी,
आज देखो मैं तुम्हारे घर आने वाला था और मेरे मुरली मनोहर धर ने तुम्हें खुद ही यहाँ भेज दिया। क्या बात है महाराज, बताइए। सही में श्री कृष्ण आपको जरा भी कष्ट देना नहीं चाहते। बेटी, आज मैं तुमसे हाथ जोड़कर कुछ कहूँगा, अगर बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना। नहीं महाराज, आप हाथ जोड़ के मुझे पाप में मत डालिए। क्या बात है महाराज, बताइए। तुम एकादशी वाले दिन आई थी ना, तो तुमने किसी को प्रसाद दिया था। बड़े नसीब वाला था जो श्री कृष्ण का प्रसाद उन्हें मिला। लेकिन महाराज आप क्यों पूछ रहे हैं? अरे वो चौधरी साहब का बेटा है, तुम तो जानती हो चौधरी साहब को, कितने अमीर हैं और खानदानी भी। उन्हें कौन नहीं जानता, वो तो गांव के मुखिया भी हैं। लेकिन मेरे श्री कृष्ण से ज्यादा धनवान थोड़ी ना है। लेकिन महाराज आप क्या कहना चाहते हैं? अरे वीरा बेटी, वो शिवा तुमसे शादी करना चाहता है, उसे तुम पसंद आ गई हो। लेकिन महाराज मैं तो शादी ही नहीं करना चाहती, एक आप और गिरधारी हैं जो मेरे दुख दर्द समझते हैं। बेटी मैंने उसे मना किया, परंतु उसने मुझे विनती की है, मैं खुद नहीं सोच पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। महाराज आप इतना उदास मत होइए, आप सब काम मेरे कृष्ण पे छोड़ दीजिए, वो सब का अच्छा करेंगे। वीरा, अगर चौधरी साहब बोलेंगे कि मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ रहा हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा? तो क्या हुआ महाराज, आप लेकर आइए, अगर मेरे घर वाले खुश है तो मैं भी मना नहीं करूँगी, बाकी सब मेरे कृष्ण जाने। चले मैं अपने कृष्ण को भोग लगा दूँ। ठीक है बेटा, अब तुम भोग लगा लो और दर्शन भी कर लो, अब मैं निकलता हूँ। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और माँ जी ये बताइए कैसी रही आपकी यात्रा? सब कुछ बहुत अच्छा रहा। बेटी तू कैसी है? मैं ठीक हूँ माँ जी, आप कैसी है? बस एकदम फर्स्ट क्लास। और घर के बाकी सब लोग कहाँ गए? आपका बेटा जो ऑफिस गया है और पोता स्कूल गया है। अच्छा माँ जी मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। नहीं 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 बेटा, पहले मेरे को ये बता कि मेरी कृष्ण भक्त कहाँ है, कैसी है वो? बस वो तो भक्ति में लीन रहती है। एक बात कहूँ माँ जी आपसे? हाँ बेटे। मुझे ना वीरा की बड़ी चिंता हो रही है। बेटे मैं 2 महीने बाद आई हूँ, लेकिन मेरे को ऐसे तो नहीं लग रहा कि चिंता में जरा तेरा शरीर कम हो गया हो। माँ जी हाँ? आज है ना मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? पता है क्यों? क्यों? आप है ना मीरा से बात करके उसे मना लीजिए। किस लिए मना लूँ? शादी के लिए। आपको पता है मेरा भाई आ रहा है, मैंने उसे बड़ी मिन्नतों से बुलाया है, बस आप मीरा से बात कर लीजिए, वो आता ही होगा। तो अब मैं समझी कि मेरी वीरा की शादी अपने भाई से करवाना चाहती है। बिल्कुल ठीक समझी सासू माँ। पर इस बारे में वीरा से पूछा है? अब आप है ना अपने हिसाब से पूछ लेना। मैंने तेरे को कितनी बार समझाया है कि तू इसके पीछे मत पड़, लेकिन तू है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। माँ जी प्लीज आप एक बार बात करके तो देखो, वो आपको मना नहीं करेगी। इस रिश्ते की कोई गुंजाइश नहीं है, मैं अब आराम करने जा रही हूँ और तू अपना काम कर। कोई गुंजाइश नहीं तो क्या कोई राजकुमार आएगा तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए? सासू माँ मैं भी तुम्हारी बहू हूँ, ये शादी तो मैं करवा के ही रहूंगी। अब कौन आ गया? एक तो बुढ़िया ने पहले ही दिमाग खराब करके रखा है, ऊपर से ये कौन आ गया पता नहीं। अरे भैया तुम आओ आओ आओ।
बैठो। कैसे हो भैया? बस ठीक हूँ। दीदी, क्या मीरा मेरे जैसे हैंडसम से शादी करने को तैयार हो जाएगी? अरे भाड़ में गई वीरा, बुढ़िया मान जाए तो बस तुम्हारी शादी तो वीरा से तैयार है। दीदी मेरी एक बार मीरा से शादी करवा दो, तुम्हारी परेशानी खुद दूर हो जाएगी। दीदी एक बात कहूँ? बोलो। बहुत चालाक और हराम है। क्या कहा? जुबान बंद कर अपनी। दीदी कम से कम अपनी सास का तो ख्याल रखा कर, उसको तो तमीज से पुकारा कर। जुबान बंद कर अपनी, तेरी जबान कैची की तरह चलती है। दीदी एक बार मेरी शादी करा दो, मैं मुंह पे टैप लगा लूंगा। ठीक है जा जा कर आराम कर, मीरा और वो लोग आते ही होंगे। ठीक है दीदी। अरे रूम में तो तुम्हारी सास सो गई है। अरे वही खटिया पड़ी है, आराम कर ले। ओहो, मैं कैसा लग रहा हूँ? है कोई यहाँ सुनने वाला? माँ जी मैं कैसा लग रहा हूँ? लगता है माँ जी नाराज हैं। आप टेंशन मत लो, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा, उसको खाना भी बनाने नहीं दूंगा, मैं बहुत खुश रखूंगा। अरे बहू क्या कम है कि ये पागल भाई भी आ गया। लगता आप ऐसे नहीं मानोगे, मुझे अपनी मधुर आवाज में एक गाना सुनाना पड़ेगा। शहनाइयों की सदा कह रही है खुशी की। इधर आ। कल आपको हमारे घर फिर आना है। बिल्कुल आऊंगा, आप हुक्म तो कीजिए। ये नहीं पूछोगे क्यों? कल हम साथ में चलेंगे मेरे बेटे के लिए लड़की देखने के लिए। मगर चौधरी साहब। अरे महाराज आपका चेहरा क्यों उतर गया? जियो छोटे मालिक किसी और को चाहते हैं। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा ये बात है पंडित जी, शायद मैं अपने बेटे को समझ नहीं पाया तो आप उसे समझे हो, लेकिन अब उसकी शादी वहाँ होगी जहाँ वो चाहेगा। अपने बेटे का दिल नहीं तोड़ सकता मैं, और ये रिश्ता हाथों से जाना नहीं चाहिए पंडित जी। और उन्हें कहो कि शादी का पूरा खर्च हम देंगे। वाह चौधरी साहब आप तो महान है, बस अब वीरा के घर वाले राजी हो जाए। पंडित जी शायद आपको पता नहीं, उसका भाई हमारी कंपनी में काम करता है, अब तो वो हमारा रिश्तेदार भी हो जाएगा। आप कल ही रिश्ता पक्का करके लाओ। जी हाँ मैं निकलता हूँ अब। जय श्री कृष्ण। जय। सचिन यहाँ पे क्यों बैठा है, चल घर चल। अरे बुआ देख नहीं रही, जितना वजन मेरे में नहीं है उससे ज्यादा तो इस बैग में है, लटकाते लटकाते थक गया तो बैठ गया। चल बैग मुझे दे। अच्छा वह बुआ आज रास्ते में मिल गई, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बता ऐसी क्या बात है जो हम घर पे नहीं कर सकते? घर पे मम्मी कहाँ बात करने देती है। ठीक है बता। घर पे तुम्हारी शादी की बात चल रही है, मम्मी ने मामा को बुलाया है। मैंने कहा मम्मी क्यों तुम बुआ के पीछे पड़ी रहती हो, वो मुझसे लड़ने लगी। मम्मी के बारे में ऐसा बोलता है, चल घर चल। लेकिन एक बात जरूर पूछूंगा। पूछो। मम्मी ने जिद की तो क्या तुम शादी कर लोगी?
हे कान्हा, जब ये बच्चा मेरे साथ है तो कान्हा जी, आप क्यों नहीं चाहते कि मैं सिर्फ आपके चरणों की धूल बनूं? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटे, कैसी है मेरी लाडो? मैं सही हूँ, आपकी यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी बेटा। पर बेटे, लेकिन बेटे, तुम्हारा मुंह उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं हुआ माँ। अब मैं समझी, बहू ने जरूर कुछ बोला होगा। बेटी, उसकी तो आदत है कुछ ना कुछ बोलने की। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। मेरी माँ सबसे श्रेष्ठ है। अरे मेरी लाडो। ठीक है माँ, अब मैं मंदिर जाती हूँ। ओके, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मामा, आप कितने भी हैंडसम लग जाओ, बुआ आपसे शादी करने वाली नहीं है। कैसा भांजा है, तुझे कैसे पता चला? चल भाग यहाँ से। देख लेना, नहीं होगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बैठिए बैठिए। कैसे हैं सब लोग? बस बढ़िया है, आप कैसे हैं? अरे बढ़िया है एकदम। और सुनाइए पंडित जी, कैसे आना हुआ? अरे वीरा बिटिया के लिए कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से एक रिश्ता लेकर आया हूँ। सच? रिश्ता वीरा? हाँ, के लिए? हाँ। वाह, मैं अभी मिठाई लेके आती। अरे रुको ना बहन, मिठाई उठाई तो बाद में होती रहेगी। चौधरी साहब को जानते हैं ना आप लोग? हाँ हाँ, इन्हें कौन नहीं हाँ, जानता। बहुत बड़े आदमी हैं और अच्छा इंसान भी है। हाँ। हाँ। क्या हुआ पंडित जी, आपको हमसे कुछ कहना है क्या? अरे घबराने की कोई बात नहीं है, बस अपनी वीरा बिटिया है ना, उसके लिए उन्होंने अपने बेटे के लिए हाथ मांगा है, और इकलौता बेटा है उनका। तू तो बहुत किस्मत वाली है जो इतने इतने बड़े घर में इसका रिश्ता होने जा रहा है। तो ये रिश्ता पक्का कर दें? अरे नेकी और पूछ, आप आज ही सब कुछ तय कर लीजिए। हाँ। अरे हमारे तो भाग्य ही खुल गए, जो इतने बड़े घर का रिश्ता मेरी बिटिया के लिए आया है। मेरी ननद रानी तो है ही भाग्यशाली। अरे कुछ तो बोलो ना बेटी। जब भाई भाभी और माँ पूरा परिवार खुश है तो मैं भी खुश हूँ, लेकिन मैं चौधरी साहब के बेटे से अकेले में एक बार मिलना चाहती हूँ। जन्माष्टमी के दिन आपके घर पे त्योहार रहेगा, तो अगर आप लोगों की इच्छा हो तो क्यों ना उनको आमंत्रित कर दूं यहाँ पे। सोचा तुमसे कुछ बात कर लूं। मैंने कहा मैं चौधरी साहब के बेटे से बात करना चाहती हूँ, इसीलिए ना। वीरा, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना बता दो कि हम तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहे। नहीं भैया। अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो हमें मना कर सकती हो। भैया आप इतना मत सोचें, सब मेरे कृष्ण पे छोड़ दीजिए, वो सब सही कर देगा। आप जाइए, आराम से सो जाइए। ठीक है वीरा। तू क्या मेरे जले पे नमक छिड़कने आया है, चल जाए यहाँ से। मम्मी सबके साथ ऐसा ही करती है। क्या कहा? तू अपने मामा को मेरे खिलाफ भड़का रहा है? सही तो कह रहा है तू दीदी, किसी की अपनी नहीं हो सकती है, किसी की अपनी नहीं हो सकती। मम्मी देख रही हो, ये सब आपकी वजह से हो रहा है, रुला दिया ना मामा को। तू जा यहाँ से। अरे मेरे प्यारे भैया, मेरी बात सुनो, तुम्हारी शादी होगी और जरूर होगी। आपने कहा था मेरी शादी होगी, यहाँ तो सब तय हो रखा है, मूड समझ रखा है मुझे, अब मेरी शादी नहीं होगी। अरे मेरी बात सुनो, मैंने वीरा की सहेली से तुम्हारे लिए बात की है। वीरा की? हाँ सुनो मेरी बात। हाँ। लाओ यहाँ कान। शिवा, जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण। वीरा, क्या तुम मेरा नाम जानती हो? मुझे तो ये भी पता है कि तुम मुझसे नहीं, मेरे इस शरीर से प्रेम करते हो, जो इस दुनिया में रहने वाला ही नहीं है। हाँ, अगर प्यार में कोई अच्छा लग जाए तो उसे चाहने में बुराई क्या है? मैंने कब कहा कि तुम मुझे नहीं चाहो? लेकिन उसका क्या जिसने मुझे बनाया, तुझे बनाया? खूबसूरती का तो पता नहीं, मगर मेरा चाहत सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं किससे चाहती हूँ? मैं ये तो नहीं जानता कि तुम किसे चाहती हो, पर हाँ, मैं तुम्हें दुनिया की सारी दौलत खुशियाँ दे सकता हूँ। इतनी ईश्वर की मुझ पर कृपा है। शिवा, अब मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं किसे चाहती हूँ। हाँ, मैं भी बेताब हूँ उसे देखने को जो तुम्हारी पसंद है। श्री कृष्ण, ओ कृष्ण, अगर मैंने तुम्हें नहीं भी बताया ना, तो आज मेरे सपनों में भी आके टॉर्चर करेंगे। कृष्णा! हाँ? हे मेरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण चौधरी साहब। आइए पंडित जी, जय श्री कृष्ण, आइए बैठिए। आपका चेहरा देख के तो पंडित जी लगता है शुभ समाचार लाए हैं आप। बिल्कुल सही समझे चौधरी साहब, वीरा के घर वालों ने रिश्ता मंजूर कर लिया है। मैंने कहा था ना कि मेरे बेटे का रिश्ता नहीं ठुकराएंगे। सही बात है, वीरा बेटिया बहुत खुश नसीब है जो इस घर की बहू बनेगी। जय श्री कृष्ण पंडित जी। अरे शिवा बेटा, बैठो। बहुत भाग्यशाली हो जो कृष्ण भगवान ने तुम्हारी इच्छा पूरी की। मैं कुछ समझा नहीं पंडित जी। शिवा बेटे, तेरा रिश्ता वीरा के साथ तय कर दिया है। अरे किस सोच में पड़ गए शिवा? अरे कुछ नहीं पंडित जी, आप और पापा बात कीजिए, मैं अभी आता हूं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चौधरी साहब, जन्माष्टमी के दिन वीरा के घर वालों ने आपको आमंत्रित किया है, उस दिन पूजा भी कर लेंगे और रिश्ता भी पक्का कर लेंगे। ठीक है पंडित जी, हम जरूर आएंगे और पूजा में भी शामिल होंगे। ठीक है चौधरी साहब, अब मुझे इजाजत दे दीजिएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे वीरा, आ गई तू? वीरा तुम अपना ध्यान रखना, हम लोग अभी आते हैं। कल जन्माष्टमी है वीरा, हम बाजार जा रहे हैं। अपने लिए ना सही, पर तुम्हारे लिए तो कुछ लाना होगा ना। और तुम्हारी शादी इतने बड़े घर में जो हो रही है, तो मेरी ननद रानी सबसे अलग लगनी चाहिए, परी लगेगी, परी। हाँ वीरा, आखिर तुम हमारी इकलौती बहन हो, और थोड़े से तो अरमान हमें भी पूरे करने दो। भैया, सुबह सुबह माँ कहाँ चली गई है? मुझे उन्हें प्रसाद देना है। माँ जी तो सुनार के यहाँ गई है तुम्हारे लिए कंगन बनवाने। अच्छा वीरा, अब हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। ठीक है जी। ठीक है, ध्यान रखना जी। देख रहे हो ना मुरली जी, तुम तो जानते हो मेरी मन की बात, फिर भी मुझे ये किस दुविधा में डाल दिया। अरे आज ये प्रसाद किसके लिए बचा है? लगता है माँ आ गई। अरे आप, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए अंदर आइए। आप पूछोगी नहीं कि मैं कौन हूँ? बिना जाने आप मुझे अंदर ले आई। मैं जानती थी शायद मेरे गिरधर ये चाहते हैं कि ये बचा हुआ प्रसाद आपको मिले। वाकई आपकी सोच बड़ी महान है। जी कहिए। वीरा जी, आपको तो पता ही होगा हमारी और आपकी शादी तय होने वाली है, तो क्या आप इस रिश्ते से खुश हैं?
हमारी खुशी का क्या है, हमें अपनों की खुशी के लिए जीना पड़ता है। हमारी खुशी तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जी ही हैं। वाह, आपने तो अपने काना पे छोड़ दिया। कहीं ना कहीं मैं ही गलत हूँ जो मैं तुम्हें चाहता हूँ। आप भी मेरे काना पे छोड़ दीजिए, वो सब का अच्छा करेंगे। वीरा जी, पता नहीं क्यों मेरी चाह आप पर ही अटक जाती है। मुरली मनोहर ने आपके प्रति मेरे अंदर इतना प्यार क्यों भर दिया है? मैंने कब मना किया कि आप मुझे मत चाहिए, लेकिन होगा वही जो मेरे गिरधारी चाहेंगे। ठीक है वीरा जी, तो अब मैं जा रहा हूँ। आगे का फैसला सिर्फ और सिर्फ आप पर छोड़ता हूँ। ठीक है, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वीरा, 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 बहू, 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 वीरा कहाँ है बहू? वीरा नहीं मिल रही। बेटा सब लोग कहाँ गए? कहाँ गए सब लोग? बहू कहाँ गए? वीरा, वीरा, कहाँ गए? कहाँ गए सब लोग? किसे ढूंढ रही हो आप माँ? बेटा वीरा तुम्हारे साथ नहीं है? अरे यही गई होगी माँ जी, मंदिर गई होगी। नहीं, मैंने पूरा घर छान मारा, वो कहीं पे भी नहीं है। मुझे मुझे उसकी चिंता हो रही है बेटे। माँ आप चिंता मत करो, वीरा यही कहीं गई होगी। माँ जी आपको तो पता है वीरा ज्यादा से ज्यादा मंदिर गई होगी। रमन बेटा ऐसा कर, तू पंडित जी को फोन कर, वीरा वहाँ पर है। मेरा जी बैठा जा रहा है बेटा। माँ आप खामखा टेंशन ले रही है। माँ वीरा आ जाएगी, आप टेंशन क्यों ले रही है? ओके मैं फोन लगाता हूँ। हेलो, जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण पंडित जी, मैं रमन बोल रहा हूँ। हाँ रमन जी बोलिए, क्या बात है? मीरा वहाँ मंदिर आई है क्या? वीरा तो नहीं आई आज, क्या हुआ बेटा? वो कुछ नहीं पंडित जी, वीरा घर पर नहीं थी तो हमने सोचा मंदिर गई होगी। अरे बेटा तुम टेंशन मत लो, वो आ जाएगी, अपनी सहेली के यहाँ गई होगी। ठीक है पंडित जी, हमें भी यही लग रहा है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वो मंदिर में नहीं है माँ जी, शायद वो अपनी सहेली के वहां गई होगी। बहू उसके कोई सहेली का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ है, मैं तो अभी फोन लगा रही हूँ। उसको फोन करो जी, मेरा जी घबरा रहा है बेटे। मैं अभी करती हूँ। हेलो अंजलि, क्या वीरा तुम्हारे साथ है? अच्छा माँ जी, वीरा तो वहाँ पे भी नहीं है। तो कहाँ गए? कहाँ जा सकती है वीरा? कहाँ गई मेरी वीरा, कहाँ गई? चलिए माँ जी अंदर चलिए, आप पानी पी लीजिए, वीरा आ जाएगी। चलिए माँ, वीरा आ जाएगी, अब टेंशन क्यों ले रही हो? चलिए आप रोइए मत माँ, आ जाएगी वीरा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे माँ जी हम लोगों को बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए सोचे कि एक बार आपसे मिलके आते हैं हम लोग। लो आ गई वीरा। वीरा बेटा तू तो कहाँ चली गई थी? सुबह से हम लोग सब तेरे पीछे कितना परेशान है। हाँ वीरा, एक बार तुम बता के तो जाती। और नहीं तो क्या, बता के तो जा सकती थी, हमारे तो सांसें ही रुक गई थी। अरे बेटी कहाँ चली गई थी? वो मैं कान्हा जी का सामान लेने गई थी और मुझे ये माला नहीं मिल रही थी। वहाँ पे मुझे रास्ते में कुछ गुंडे ने भी घेर लिया था। गुंडे? हाँ गुंडे। आज तो बहुत देर हो गई है, घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। हाँ? हाय हाय,
क्या माल है, ओए हाय टकटक दिख रहे लिए बाबा देसी। क्या लिया है मैडम, जरा हमें भी दिखाइए। ये मेरे कृष्ण का सामान है। हम बन जाते हैं ना तुम्हारे कान्हा जी। हवस के पुजारी, तुम क्या मेरे कान्हा बनोगे, तुम तो मेरे पैर की जूती भी नहीं हो। इतनी हिम्मत तुम्हारी? अरे नहीं भाई, अभी रहने दो, पहले इनके कान्हा को तो बुलाओ इनको बचाने के लिए। क्यों प्यारी बिल्लो रानी, बुला अपने कान्हा को। बिल्लो रानी थोड़ी, ये तो कृष्णा की दासी है। तुम क्या समझोगे भक्त और भगवान का रिश्ता, तुम लोग तो सिर्फ और सिर्फ हफ्सी हो। तुम जैसे दरिंदों के लिए हमेशा मेरे साथ मेरे कान्हा जी हैं। अरे वाह, इतना भरोसा है तुम्हारे भगवान ऊपर। अरे भाई अब हमको यहाँ से चले जाना चाहिए, इनके लिए कलयुग में कृष्णा आने वाला है। देखो आगे मत बढ़ना वरना। वीरा जी आप घर जाइए, मैं अभी आ रहा हूं। तू या इसीलिए मुझे आज देर हो गई, इसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। अगर आज कान्हा जी ने शिवाजी को सही समय पे ना भेजा होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। अरे बेटा तुम कब गया था, मुझे तो पता ही नहीं। अरे पापा मैं तो। अरे चौधरी साहब, शिवा बेटा तो मर्द आदमी है और आज शिवा की वजह से वीरा की लाज बची है। बेटा शिवा, आज तो तूने हम सब हमारा सबका दिल जीतने वाला काम कर दिया। अरे वाह दामाद जी, आज तो आपने हीरे वाला काम कर दिया और वीरा का भी दिल जीत लिया। चलो अच्छा हुआ वीरा बेटी सही सलामत घर आ गई। बहन जी हमें इजाजत दीजिए। अच्छा भाई साहब, कल जन्माष्टमी का त्योहार है, हम सब साथ में मिलके मनाएंगे, आप जरूर आइएगा। धन्यवाद शिवाजी। अरे आप मुझे धन्यवाद क्यों कह रही हो, जो काम मैंने किया ही नहीं। आपको शायद कोई गलत फहमी हो गई होगी। नहीं मैंने अपने आँखों से देखा है आप वहाँ थे। नहीं आज मैं पूरा दिन अपने पापा के साथ ही था, अगर मैंने तुम्हें बचाया होता तो मैं तुम्हारे साथ ही आता ना। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं आ रहा, आप मेरा यकीन मानिए मैंने अपनी आँखों से आपको देखा था। अच्छा अब मैं समझा, हो सकता है कोई मेरा हमशक्ल हो, मेरे जैसा दिखने वाला हो। इतनी भी हमारी आंखें कमजोर नहीं कि हम आपको नहीं पहचान सके। लगता है मेरा भी हमें चाहने लगी है, किसी और के रूप में हमें देख रही है। मेरा मैं जा रहा हूँ। खुश रहा करो पंडित जी, अब तो अपना ही राज है। मालिक पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है, अगर किसी को पता चल गया तो। अरे पंडित जी इतना घबराइए मत, मैं हूं ना, आज तक किसी को कानो कान खबर हुई क्या? और आज तक जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, और फिर देखो हमारी मंजिल भी करीब है। अगर शिवा मुझसे पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा कि उसके पापा कहाँ गए। वो सब मुझ पर छोड़ दो, और आज तक जैसा व्यवहार आप शिवा के साथ करते हुए आए हैं वही व्यवहार रखो, समझे? ठीक है मैं वैसे रखूं। शिवा शिवा आ रहा है, आने दीजिए। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चाचा जी पापा कहाँ हैं? आज सुबह से उनको फोन कर रहा हूँ, फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है उनका। और आज आपको तो पता ही है आज वहाँ जन्माष्टमी का फंक्शन है और हमें वहाँ जाना है। शिवा बेटा पापा आज अर्जेंट मीटिंग में गए हैं, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, वो आज नहीं आ सकते और फिर मुझे बोल के गए हैं। तुम चले जाना, रिश्ता तय कराना। हाँ शिवा बेटा मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है कि आज तुम्हारे रिश्ते पर चौधरी साहब हाजिर नहीं है। पंडित जी पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं, आज तो उनको यहाँ होना चाहिए था, वीरा के घर वाले क्या सोचेंगे। पापा को भी आज ही जाना था, पापा हर बार यही करते हैं।
बेटा मैं भी तो तुम्हारे बाप के समान हूँ यार, अर्जेंट जाना पड़ा और हो सकता है कोई जरूरी काम हो और मुझे भी ना बताया हो। चिंता मत करो, वीरा के घर वालों को मैं संभाल लूंगा। ठीक है? ठीक है चाचा जी, जय श्री कृष्ण। अगर आज पापा नहीं आया ना तो मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगा। बेटे वैसे भी तू पूरी जिंदगी बात नहीं कर सकता, तेरे बाप गए गए तेरे बाप। वैसे भी तेरे नसीब में बात करना नहीं है, क्यों पंडित जी? हाँ सही कहा आपने, मगर आप अपने आप को संभाले रखिए। बिल्कुल, आप टेंशन मारी मत करना, टेंशन नहीं, मत नहीं, लाना नहीं, समझा ना? बिल्कुल हाँ। भैया मैं बस आ ही रही थी। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, सारी बातें सुन ली। अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो तुमने क्यों हामी भरी, क्यों हामी भरी? अरे एक बार अपने भैया से कह देती तो मैं इस रिश्ते को मना कर देता वीरा, मना कर देता। जब आप और सब परिवार वाले खुश थे तो मैं भी खुश हूं। नहीं वीरा, मैं तुम्हें दुखी देखना नहीं चाहता। मुझे अभी इसी वक्त रिश्ता रोकना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आप किसी से कुछ मत कहिएगा भैया। मुझे मत रोको वीरा, आखिर ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। आप चिंता मत कीजिए भैया, मेरे कान्हा सब ठीक कर देंगे। उन्हें आज मेरी सुननी ही पड़ेगी, वो जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। वीरा तुम नादान हो, तुम समझ नहीं पा रही हो, इस कलयुग में कृष्ण कहां से आएंगे, मेरी बहन कहां से आएंगे? अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, आज मेरा जी बहुत घबरा रहा है, बहुत घबरा रहा है। ठीक है जल्दी आना, तुम्हारे कान्हा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है भैया। स्वामी आपकी आंखों में आंसू? हाँ देवी, मेरे भक्त कभी कभी इतनी भक्ति कर लेते हैं कि मुझे बुला लेते हैं, और यही भक्ति और यही प्रेम भाव मुझे उसकी तरफ खींच लेते हैं। सत्य कह रहे हो प्रभु आप, आपके सभी भक्त आपको रुला देते हैं, वो नरसी मेहता हो या फिर मीरा हो, पर आज इस कलयुग में वीरा के लिए आपको धरती पर जाना ही होगा। उचित कहा देवी, मुझे वीरा के लिए पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा, मैं वीरा की और परीक्षा नहीं ले सकता। कन्हैया कन्हैया
हद हो चुकी अब संभालो कन्हैया। उठो वीरा, देखो मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली, उठो। हे कान्हा, तुमने मुझे उस दुनिया में क्यों भेज दिया? वो दुनिया मेरी है ही नहीं। हे वीरा, तुम पृथ्वी लोक में नहीं रहना चाहती? मुझे उस दुनिया का कोई मोह नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूँ। तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, तथास्तु। वीरा, वीरा क्या हुआ? क्या हुआ? वीरा क्या हुआ तुम्हें? वीरा उठो, वीरा उठो, वीरा आंखें खोलो, वीरा आंखें खोलो, वीरा आंखें खोलो, वीरा वीरा मालिक, मालिक मालिक आपको क्या हो गया? मालिक 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 चीयर्स। क्या बात है पंडित जी, आज तो बहुत खुश लग रहे हो। आप तो जानते ही हैं मालिक, मेरी खुशी की वजह आप ही हो, आप ही मेरे दाता हैं। तुम्हारी खुशी मंदिर है, मैं जानता हूं। अब आपसे क्या छुपाऊं? बिल्कुल सही कहा आपने, मेरी खुशी जो है ना मंदिर है। और मंदिर भी महंगा है पंडित जी, और तुम जानते हो मंदिर का आधा हिस्सा मेरा होगा। ये कोई कहने की बात थोड़ी ना है। और एक बात बोलूं मालिक, ये जो बाप बेटे को आपने रास्ते से हटाया ना, क्या खेल खेला है आपने। रामू काका, तुमने शायद सब सुन लिया ना? क्या फर्क पड़ता है, सुने या ना सुने, मालिक तो मर गए, एक दिन सबको जाना है। रामू,
समझदार हो, आज से तुम्हारी पगार डबल पगार। क्यों पंडित जी? सही कहा, डबल। रामू, क्या मिला इसमें? इसमें क्या मिला दिया? ओ रामू, क्या मिला दिया? जय श्री हरि, 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 जय श्री हरि। जैसी राधा गौरी मेरा थी, जैसी राधा गौरी मेरा थी, हे कृष्णा के वीरा, वैसी ही भटके वीरा होकर खुद से बेगानी, होकर खुद से बेगानी, नहीं चाहिए चाहिए।